ये तो जिया की चूड़ी है। जिया की सैंडल। सुया जी, मैं तो कहती हूँ ज्ञान भाई साहब ने यहाँ इन सब बातों की सुध लेने में बहुत देर कर दी। अरे आज के जमाने में अपनों पर भरोसा नहीं होता और भाई साहब ने दुश्मनों पर विश्वास कर लिया। उन्हें क्या लगा वो कुछ नहीं करेंगे? मैं तो पहले ही कहती थी ये तूफान के आने से पहले की शांति है। भाई साहब ने अगर यहाँ सब कुछ पहले ही संभाल लिया होता तो ये नौबत ही ना आती। मम्मी आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे ये सब कुछ बाबा ने करवाया हो। मैं तो कह रही हूँ कि ये नौबत आई ही क्यों और भुगतना किसे पड़ रहा है? बेचारी जिया को। हाय इस हालत में वो होगी कहाँ? असल में कोई था जो शेखर को नुकसान पहुँचाना चाहता था, पर शेखर के सारे दुख तो हमारी बेचारी जिया के ही हाथों आ जाते हैं। देवयानी तुम ये सब छोड़ो और समर को फोन लगाओ, पता करो कि क्या हुआ, नहीं तो हम ही वहां पे चलते हैं। हेलो माँ, जिया की कार का एक्सीडेंट हो गया है। माँ शेखर भी यही है। गाड़ी तो मिल गई है पर क्या? पर माँ जिया और नेत्रा कुछ भी पता नहीं है। क्या? हाँ माँ कार का एक्सीडेंट एक खाई के पास हुआ है। माँ पुलिस भी यहीं पर है, हम लोग पता लगा रहे हैं। हाँ जैसे ही कुछ पता चलता है मैं आपको फोन करके बताता हूँ। किसका फोन था? क्या हुआ मेरी जिया का? बताइए ना रुक्मिणी जी, जल्दी से बताइए, बताइए ना क्या हो गया। क्या माँ सब ठीक है ना? लगता है कुछ बुरी खबर होगी, तभी तो रुक्मिणी जी इतनी शॉक लग रही है। मम्मी आप तो अपना मुंह बंद रखो, कभी कोई अच्छी बात निकलती नहीं आपके मुंह से। जिया की कार का एक्सीडेंट हो गया। और उसका कोई पता नहीं। हे भगवान, कभी कभी एक्सीडेंट इतनी जोर का होता है कि आदमी उड़ के पता नहीं कितनी दूर गिर जाता है और इंसान बच भी जाता है। मुझे पूरा विश्वास है जिया बिल्कुल ठीक ठाक होगी। समर साहब जरा यहाँ आइए। एक बात बहुत अजीब है, अगर एक्सीडेंट के बाद जिया जी और नेत्रा जी खुद कार से बाहर आई होती तो वो सड़क की तरफ जाती, मगर यहाँ पर ड्रैगिंग मार्क्स है और खून के धब्बे कार से खाई की तरफ आए। इंस्पेक्टर आप आखिर कहना क्या चाहते हैं? आपको क्या लगता है ये किसकी साजिश है? नहीं, मेरा कहने का मतलब हो सकता है कि कोई उस कार को फॉलो कर रहा हो और जब उसने देखा कि एक्सीडेंट हुआ है तो उसने अपने मकसद को अंजाम दिया हो और जिया जी और नेत्रा जी को खाई में ढकेल दिया। What nonsense! आपको कैसे लगता है कि जिया और नेत्रा को खाई में धकेल दिया? I'm sure वो जिंदा है। देखिए मैं तो सिर्फ आपकी मदद कर रहा हूँ, बॉडीज को ढूंढने की बात कर रहा हूँ। ज्यादा देर होने पर जंगली जानवर उसे नुकसान पहुँचा सकते हैं। Hey, listen! जिन्हें बार बार बॉडीज कह रहे उनके नाम है जिया और नेत्रा और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, सुन लिया आपने? देखिए जिंदा हो या I mean, दोनों ही हालातों में हमें उन्हें ढूंढना है। मैं सर्च टीम को इन्फॉर्म कर देता हूँ, वो जल्द से जल्द यहाँ पहुँच जाएगी। शेखर हमें हिम्मत से काम लेना होगा, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। भाई जिया भाई I always Jiya. शेखर, come on. ऐसा भी तो हो सकता है कि वो यहाँ से अपने आप निकल गए हों और रास्ते में से किसी से लिफ्ट लेकर हॉस्पिटल पहुँच गए हों. हो सकता है ना ऐसा? Excuse me. जी. आज आपके यहाँ कोई एक्सीडेंट का केस आया है? 2 औरतें हैं, एक प्रेग्नेंट है उसमें. हमारे यहाँ ऐसा कोई केस नहीं आया. आप किसी दूसरे हॉस्पिटल में चेक कीजिए. जी, लेकिन अगर ऐसा कोई केस आए तो मुझे इस मोबाइल नंबर पर आप इन्फॉर्म कर देंगे? श्योर. थैंक यू वेरी मच. हेलो, होली पीपल हॉस्पिटल. आपके यहाँ कोई एक्सीडेंटल केस आया जिसमें 2 औरतें घायल हुई हों? नहीं, पता नहीं कहाँ होगी. जिया आंटी, आप घबराओ मत. शेखर और समर वहीं हैं. घबराओ मत. मेरी बेटी का एक्सीडेंट हो गया, उसका कोई आता पता नहीं, और तुम कह रहे हो घबराओ मत. अंशुरा जी, शेखर वहीं पर है और समर भी. क्या कर लेगा शेखर? क्या किया था शेखर ने जब गुंडे जिया को उठा कर ले गए थे? क्या किया था शेखर ने जब नेत्रा दुल्हन के लिबास में इस घर में आई थी? जो तब कुछ नहीं कर सका, वो अब क्या करेगा? अंशुया जी, जब जिया की शादी हुई थी शेखर से, तो मैंने सोचा कितना अच्छा लड़का है, कितना अच्छा परिवार है, कितनी खुशकिस्मत है मेरी बेटी. लेकिन मेरी बेटी से बदनसीब कोई और नहीं. ऐसा मत कहिए प्लीज. तो फिर क्या कहूँ? इसे जिया की बदकिस्मती कहूँ या आपकी खुशकिस्मती? आपके परिवार की दुश्मनी की कीमत हर बार जिया को चुकानी पड़ती है. पता नहीं गलती से या... तो आपको क्या लगता है ये सब हमने जानबूझकर किया? पता नहीं गलती से कि जानबूझकर, लेकिन जो हुआ वो मेरी बेटी के साथ हुआ. ये क्या कह रही हैं आप? जिया हमारी भी बेटी है, हमें भी उतना ही दुख है जितना आपको. आप तो सिर्फ दुखी है, लेकिन उसकी तो जान पर बनी है, वो भी ऐसी हालत में जब उसके अंदर एक और जान है. देखिए अंशुया जी, देखिए आप कि जिया को कुछ ना हो. अगर जिया को या उसके बच्चे को कुछ हुआ ना, तो मैं और कुछ तो नहीं कर सकती, लेकिन आपको बद्दुआ जरूर देती हूँ. आपका घर घर नहीं रहेगा. ये घर ऐसे बिखरेगा कि ये दुनिया इस घर, इस परिवार को भूल जाएगी. मिट्टी में मिल जाएगा पांडे परिवार. इस घर का एक एक इंसान खुशी के लिए तरसेगा. ये एक माँ की बद्दुआ है. हे भगवान, रहम कर, दया कर, अपनी कृपा दृष्टि इधर भी कर. क्या हो गया मम्मी? सुना नहीं क्या हुआ? और कुछ होना बाकी है क्या? अब क्या हुआ? एक माँ की बद्दुआ खाली नहीं जाएगी. लेकिन तू चुप कर, तू बच्ची है, अपना भला बुरा भी नहीं जानती. चल सामान पैक कर और निकल यहाँ से. ये क्या कह रही हैं आप सावित्री जी? माफ कीजिएगा रुक्मिणी जी, बहुत निभा गई, अब आगे नहीं होगा. एक माँ की बद्दुआ से तो डर लगता है. मम्मी, तू यहाँ रहेगी तो यही बद्दुआ तुझे भी लगेगी और मुझे भी. गेहूं के साथ घुन भी पिसता है. आज से तेरा मेरा इस घर से कोई रिश्ता नहीं, और नहीं समर का. चल सामान पैक कर, समर को फोन लगा और निकल यहाँ से. मेरा मन कहता है जिया बिल्कुल सही सलामत है और अभी उसके मिलने की खबर भी आती होगी. और मेरा मन कहता है कि जिया अब कभी वापस नहीं आएगी. इस सच्चाई को जितनी जल्दी समझ जाओ, इस फैमिली के लिए उतना ही अच्छा है. आपके मुझे तो कभी कोई अच्छी बात निकलती नहीं. डब्बो, आंखें मूंद के बैठने से कोई फायदा नहीं. सच्चाई यही है कि एक्सीडेंट हुआ है और बॉडी भी नहीं मिल रही है. किसी खाई में गिर गई होगी. समर ने भी यही कहा ना कि बॉडी भी नहीं मिल रही है. अरे अगर चोट आई होती तो जिया बेहोश होती, वही कहीं होती. पर मुझे तो लगता है कि एक्सीडेंट इतना खतरनाक हुआ होगा कि बॉडी कहाँ गिर गई इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है. चुप कर जाइए प्लीज. भगवान ना करे कि ये सच हो, और अगर हो भी तो यहाँ आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहता. क्या वो अपनी गाड़ी में नहीं है? आर यू श्योर? तुमने ठीक से देखा? जी मैडम, गाड़ी तो मिल गया लेकिन गाड़ी में बैठे हुए लोगों का कुछ पता नहीं। और मैडम गाड़ी में ज्ञान पांडे के दोनों बहुए थे। अदला बदली कब और कैसे हो गया कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो ज्ञान पांडे का कुछ तो नुकसान हुआ, तुम वहीं रहो मगर होशियारी से, किसी को शक नहीं होना चाहिए। सारी इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे। ओके जी जी ठीक है मैडम। अब इंस्पेक्टर साहब और कितनी देर लगेगी? रिलैक्स, सर्च पार्टी जल्दी पहुंच रही है। नीचे खाई में जाने का और कोई रास्ता है? नहीं, उस रास्ते से काफी वक्त लग जाएगा। शेखर, भगवान पे भरोसा रख। जिया जहां भी है वो ठीक होगी। बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गई मुझे। मुस्कुराहट हमेशा तुम्हें चाहिए। भाई मैंने जिया के चलाने की बात सुनी है भाई। नहीं कोई नहीं है, तेरा वहम है बस। इंस्पेक्टर साहब कब तक आएगी आपकी सर्च पार्टी? और कितना इंतजार करूं मैं? कब तक यूं हाथ पर हाथ धरा खड़ा रहूं? रिलैक्स, मैं देखता हूं। कौन हो तुम? क्या कर रहे हो यहाँ पे? एक्सक्यूज मी, हेलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हेलो, कौन है तू? मुझे छुप छुप के क्या देख रहा था? तू छुप छुप के? मैं आपको नहीं देख रहा था। मैं अच्छा, मुझे नहीं देख रहा था तू? नहीं, तू मुझे देख के भागा ना। मुझे देख के भागा? तू मुझे ऑफिस में भी छुप छुप के देख रहा था। कौन है? ऐसे नहीं बताएगा तू। देख टेढ़ी उंगली से घी निकालना आता मुझे। सच सच बता दे इनको। सर मैं बता दूं सर, बस थोड़ा सांस ले सर। अबे तेरी सांस चल रही है क्या? काम है क्या है सर? शेखर, आपको कोई बुला रहा सर। तू है कौन? तुझे कैसे पता मेरा नाम शेखर है? मुझे सच बता वरना तेरा बोलता नहीं बोलता। शेखर, शेखर जिया मिल गई। क्या? नर्स इन्हें ऑपरेशन के लिए ले जाओ फौरन, इमीडिएटली। कम ऑन, मूव फास्ट। फौरन। थैंक्स लॉट। अगर आप लोग नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। पहले तो हमने सोचा कोई शूटिंग चल रही है, लेकिन फिर हमने देखा ना कोई कैमरा ना कुछ, तब हमें लगा कि आप मुसीबत में हैं। भाई जी, हाँ जी, हाँ जी। सुनिए, क्या कर रही हैं आप? हेल्प, प्लीज मेरी मदद कीजिए। हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और ये बेहोशी की हालत में यहाँ तक आ गई है। Oh my God, तो प्रेग्नेंट है। चलो इन्हें हॉस्पिटल ले चले। चलिए चलिए। मैम आपके भी बहुत खून निकल रहा है, आप भी चलिए प्लीज। अच्छा तो हम लोग चलते हैं, कुछ जरूरत पड़े तो याद कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मैंने अपने घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया है। ठीक है। तुम यहाँ फौरन पहुँचो, किसी के भी पहुँचने से पहले। जिया कहाँ चली गई मेरी बच्ची? तुम थी तो भरोसा था कि कोई है जो मेरे बाद इस घर को जोड़कर रख सकता है, लेकिन बिना जिया के ये घर यूं ही बिखर जाएगा। हेलो बाबा, जिया भाभी का पता चल गया है। वो ठीक तो है ना? बाबा भाभी हॉस्पिटल में है, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, आप भी जल्दी पहुँचे। वो सिटी हॉस्पिटल में बाबा। ठीक है मैं पहुँचता हूँ। ड्राइवर फौरन गाड़ी सिटी हॉस्पिटल ले जाओ। नर्स और ब्लड मंगाओ। नर्स, पेशेंट की कंडीशन और क्रिटिकल होती जा रही है। नर्स, शी इज सिंकिंग। यू रिक्वायर मोर ब्लड। यू हैव टू स्टार्ट द ऑपरेशन इमीडिएटली। कम ऑन, मूव नाउ। गिव मी फोर्सेप्स। फोर्सेप्स दीजिए। चेक द ऑक्सीजन लेवल। एक्सक्यूज मी, जिया पांडे कौन से रूम में? वो बहुत सीरियस कंडीशन में यहाँ आई थी, उसका ऑपरेशन हो रहा है। ऑपरेशन? सॉरी। नेत्रा, तुम ठीक तो हो ना? जिया कहाँ है? उसको ज्यादा चोट तो नहीं आई बेटा। नेत्रा हो क्या रहा है? रिसेप्शनिस्ट कह रही थी कि जिया का ऑपरेशन चल रहा है। नेत्रा, जिया ठीक है पर क्या? बहुत खतरनाक एक्सीडेंट था, हम दोनों मरते मरते बचे। जिया को लेबर पेंशन हो गया। फिर जिया ठीक तो है ना? जिया का बच्चा। क्या हुआ मेरे बच्चे को? आई एम सॉरी, हम बच्चे को बचा नहीं पाए। बच्चा स्टिल बॉर्न पैदा हुआ है।